हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज वापस से मैं आपके सामने 1 मिनट 1 कंसेप्ट का टॉपिक लेके आई हूँ। आपको मात्र 2 सवाल करवाऊंगी। 2 सवाल में मैं आपको 2 न्यू कंसेप्ट सिखाऊंगी। 2 से 3 मिनट के समय में आपको सीख जाओगे केवल, और आपको दोनों ही मैथ्स भी और रीजनिंग भी रेगुलरली आपको एक क्वेश्चन मैथ्स का एक क्वेश्चन रीजनिंग का लेके आती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता हो ये चीज़ आप देखते हैं, अगर आपको पसंद आया और आप न्यू हैं तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने बाकी दोस्तों को, और एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। रोहित वॉक्स नहीं, बिंदु ए से रोहित पूरब की ओर चलना शुरू करता है। रोहित चलना शुरू किया पूरब की ओर 100 किलोमीटर। वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा और 100 चला, दाएं मुड़ा और 100 चला। फिर बाएं मुड़ता है, 20 चला। ये पूरा 100 था तो मैंने मान लिया 20, मान लो इतना होगा, 20 इतना चल गया। फिर वो बिंदु बी पर चलने के लिए दाएं मुड़ता है, 250 चलता है। अब 250 जाना है बाएं, मतलब ऐसे जाना है इसको 250। जब ये 100 है, इसको 100 मान लिया, तो ये कितना बचा आपका, 150 बचा। ये बिंदु बी है, चलना शुरू किया था उसने ए से। ये 100, ये 150, ये पूरा कितना है, 100 है, ये 20 हो गया, तो बचा कितना, ये आपका 80 हो गया। अब पूछा है ए और बी के बीच में कम से कम दूरी याद कीजिए। ए और बी के बीच में कम से कम दूरी, इसको ओ मान लेते, तो ए ओ बी ये ट्राइंगल हो गया आपका। आपको आता होगा, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ा होगा, कैसे लगाते हैं, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है, 80 का स्क्वायर प्लस ओ बी क्या है, एक सेकेंड, ओ बी क्या है आपका, ओ बी हो गया 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो गया। तो 64002250005496782, मतलब इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 170 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया ए बी। तो मतलब ए बी की कम से कम दूरी कितनी हो गई, 170। तो 170 आपका सही आंसर है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल था, कुछ भी नहीं, सवाल में केवल पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट था। क्लियर हुआ। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। दूसरा सवाल आपका ये रहा, सवाल आपने बहुत बार देखा होगा, आज वापस देखेंगे सवाल को। दो बर्तन है ए और बी, दो बर्तन है, ए है एक बी है, एल्कोहल और पानी है, एल्कोहल और वाटर है दोनों में ही। एक में 5:3 में है, एक में 5:4 में है। दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने मिश्रण में एल्कोहल पानी का अनुपात 3:7:5 हो। मतलब यहाँ से कुछ लिया, यहाँ से कुछ लिया, दोनों को इसमें मिला दिया। अब पता लगाना है कि यहाँ से कितना लिया था और यहाँ से कितना लिया था। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या करोगे आप, पहले उस बर्तन में क्वांटिटी बराबर करोगे। जैसे कि इसके अंदर 5 अल्कोहल है, 3 पानी है, तो कितना हो गया, 5, 6, 7, 8 हो गया, या 9 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ 12 हो गया। अब देखो इसमें 8 लीटर पानी है, मान लीजिए 8 लीटर सॉल्यूशन है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 12 है, तीनों में अलग अलग है। पहले क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। बराबर करने लग रही है सबको, 6 से इसको नहीं, 8, 9 जा 72, 8, 9, 8 जा और 12, 6 जा, सबको मल्टीप्लाई कर दिया इससे कि बराबर आ जाए। 9, 5 जा 45 हो गया, ये ए में कितना हो गया 45, 9, 3 जा 27 ये हो गया, 8, 5 जा 40 ये हो गया, 8, 4 32 ये हो गया, ये बी में। सी में कितना हो गया, 6, 7 जा 42 और 6, 6 जा 30, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो सबका कोई रोल ही नहीं है, किसी एक को उठा लीजिए, किसी भी एक को, या तो इसको उठा लो या इसको उठा लो। जैसे 45 ये हो गया, 40 ये हो गया, और मिला कितना बनना है, 42 बन रहा है। किलो करो -3:2, मतलब 2:3 में मिलाएंगे हम इसको तो ये बिल्कुल सही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है इसको करो, आप इसको उठा सकते हैं, 27 इधर लिया, 32 इधर लिया, 30 इधर लिया, कितना हुआ, 3 इससे आ गया और 2 इससे आ गया। कैसे भी करोगे आंसर आपका सेम ही आया, किसी को भी ठगे बना दीजिए, वो तो पहले वाला ऑप्शन उठाते हैं इसलिए हमने उठा लिया केवल। इसको उठाइए चाहे इसको उठाइए, कैसे बिठाइए, देखो ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, और ये क्या है, बीच का मिक्सचर दोनों बनने के बाद, तो उसको बीच में रखेंगे। क्लियर हुआ। तो ये था आपका सवाल। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप सभी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर 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 कीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं वापस से, बाय बाय।